मोनिका जी। मोनिका, क्या माहौल है यहाँ हिसार लोकसभा में? बहुत बढ़िया माहौल है और बहुत बढ़िया रैली हुई है। हाँ। अमित शाह जी पधारे थे और उन्होंने हमारे हिसार के सारे लोग अपनी तरफ कर लिए और बहुत बढ़िया माहौल। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी, क्या काम करते हो आप? मैं ही तक यूनियन में हूँ जी। अच्छा, यूनियन में? हाँ जी, हरियाणा मजदूर। हरियाणा मजदूर यूनियन में जी। कहीं नौकरी भी कर रहे हो आप? नहीं सर। अच्छा, मजदूर तबका किसकी तरफ वोट डालने जा रहा है अभी हिसार में? सर यही अपने मोदी जी। मोदी जी हैं जी। तो यानी कि रणजीत चौटाला के पक्ष में किस तरह माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है सर। ठीक माहौल है, बिल्कुल अच्छा माहौल है। महिलाओं के बीच में क्या बातें चलती हैं इस सरकार में, किस तरह के काम हुए हैं थोड़ा बताओ? देखो सर, फिलहाल तो है हमारा रसोई का बजट, क्योंकि मोदी जी हमें फ्री में राशन दे रहे हैं, सिलाई मशीन वगैरह सारी दे रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा शौचालय है जो हमें घर घर से मिल रहा है। अच्छा, और मोदी जी हमारा मान सम्मान पूरा रख रहा है। ओके, ठीक है। आप आओ माता जी, थोड़ा इधर आओ आप। क्या नाम आपका? सरोज। सरोज है। हाँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? 50। 50 साल हो गए हैं। तो वोट डालोगे 25 महीने? हाँ डालेंगे। वोट कहाँ है आपका? मोदी का। नहीं, वोट कहाँ पर आपका? इस आर्मी है। हाँ, इस आर्मी। कहाँ रहते हो? हम बारह क्वार्टर। बारह क्वार्टर में रहते हो? सारे बारह क्वार्टर से आए हुए हैं? बारह क्वार्टर के। हाँ। अच्छा, जिताओगे? ठीक है, मोदी ने जिताओगे तो हमारी पेंशन बता दी मोदी ने। कितनी पेंशन है? 3000 है। 3000 होगी। और अब आगे बढ़ाने की कही है इन्होंने, कितनी बढ़ावेंगे? कब तो देखो, अभी आगे उम्मीद है तो बताओ की। अच्छा, बताओगा ये? ठीक है, हमारी कोशिश है जिताने की। ठीक है। ये जो जेपी खड़ा है, रणजीत चौटाला खड़े हैं, इन दोनों के बीच में कैसे चर्चाएं लुगाई हम चला है नू बताओ आप मेरे को। भाई चर्चा तो हम क्या बतावा, पता नहीं चला। नहीं करना है, महिलाओं के बीच चर्चाएं चलती हैं इस तरह की? अमित है ना, मोदी जी को जिताओ, पसंद यही जाना। अमित मोदी को देंगे, मोदी को देंगे। मोदी का जादू है कायम ही? हां, मोदी का 12 क्वार्टर रोड। अच्छा, मोदी ने जिताओ। कितने गए हैं 12 क्वार्टर में? कितने गए? बहुत गणे, बहुत ज्यादा है, बहुत गणे। मोदी जी को जिताओ, ज्यादा है। आप कुछ कहो दे अभी बीच में जी। मोदी जो कह रहे हैं कि 400 पार। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से 500 पार है सर। हाँ। बहुत बहुत, बिल्कुल सर, पूरा कॉन्फिडेंस है। टोटल सीट कितनी है पूरे इंडिया में ये बताओ सर। देखो इतना, देखो हमें इतनी जानकारी नहीं है, ठीक है ना। जो भी है बहुत अच्छी है सर। अच्छा, मोदी की पोजीशन, युवा युवा बच्चों के नाम मोदी मोदी हो रही है सर। अच्छा, पार्क में जाते हैं। हाँ, पार्क में भी सब ने कहा मोदी जी को देवांगे, मोदी जी को जिताओगे, पार्क में सब जाते हैं। 5000 या तो खट्टर नगरी है, मोदी ने कौन करी? अच्छा, खट्टर नगरी है। हाँ। चलो खट्टर सही। हाँ। और नाच देने लग रहा। हाँ। 5 साल का। हाँ। मुफ्त में देने लग रहा सबको। हाँ। तो वोट मोदी नहीं देवांगे जी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा मैं 5 किलो का 10 किलो करूंगा। यही इतने दिन राज कर गया राहुल गांधी, जब क्या करे उसने? कुछ नहीं करा। अच्छा, कुछ नहीं करा, शिवा बदमाशी, बदमाशी करी, कुछ नहीं करा उसने। ठीक है, जो अभी करा मोदी ने करा। 5 किलो नाच का असर दिखेगा चुनाव में? असर तो दिखेगा। असर तो होगा ना। आपका क्या नाम है? चंद्रो देवी। चंद्रो देवी, किसकी वोट डालोगे? मोदी ने। मोदी ने, मोदी को देवोगे? अच्छा, मोदी को जिताओगे? कहाँ रहते हो आप? 12 क्वार्टर। 12 क्वार्टर में। तो रणजीत चौटाला की रैली तो बड़ी तकड़ी थी। बहुत तकड़ी, बहुत तकड़ी। हिसार पे तारंदार है क्या? बहुत घने इतना। ठीक है। ये बीजेपी सरकार में किमें काम हुए हैं उरे? ओ बहुत घने हुए इतना, बहुत घने हुए। जब भी तो वोट देवांगे। ठीक है, जब भी मैं पहले कांग्रेस पार्टी में थी। अच्छा। हमारे स्मृति जिंदल के 7 वर्कर थे हम। हमारी स्मृति जिंदल भी अब खाई है, बीजेपी में आ गई है। वो भी। हम तो भी बीजेपी के साथ ही है। अच्छा, जहाँ हमारी माता जी है जिन्होंने इतने काम पहले करवाए। हाँ। सारा काम करवाया हमें, तो मोदी जी के ऊपर विश्वास है। ठीक है, आगे बच्चों को नौकरियाँ मिलेगी। हाँ। किसी का सिफारिश नहीं, किसी की अप्रोच नहीं। बच्चों के बहुत नौकरियाँ मिली है, गरीब बच्चों को। नहीं तो पहले लोग गद्दर दर बढ़ते थे, कभी किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। अब इसके टाइम में लोग बिजली बोर्ड में भी हमारे हिसार के बहुत बच्चे लगे हैं। ठीक है, लोगों के घर में खुशी की लहरें आई हुई है। आने वाले टाइम पे लोग आस लगाए बैठे मोदी जी आए। हाँ। तो जो बच्चे हमारे बच्चे हैं उनको भी नौकरी लगाएंगे। आप ये लिए हुए रणजीत चौटाला का ये कटआउट इनका। हाँ, एक तरफ रणजीत है, उनके सामने जेपी है, इन दोनों की छवि बताओ किस तरह की, क्या असर है दोनों का? चौधरी रणजीत सिंह जी ज्यादा पहले भी रहे हैं। हाँ। ये आदमपुर हल्के से भी खड़े हुए थे जी। इनका बहुत अच्छा रुतबा है। हाँ। बहुत अच्छी इनकी सोच है जी। ये गरीबों के प्रति वफादार है। कितनी उम्र होगी आपकी? मैं अब 63 साल की हो चुकी, 64 में लगी। अभी इतना जोश में रैली में आए हुए आप हैं? बहुत जोश है हमें। हमारी माता जी स्मृति जिंदल में जोश है। हाँ। तो हमारे में भी जोश है। चलो ठीक है, उनके साथ।